नमस्कार, एक बार फिर चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साक्षी शर्मा। आज हम बात करेंगे उस विधानसभा सीट के बारे में जिसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। हम बात कर रहे हैं दौसा विधानसभा क्षेत्र के बारे में। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और 3 दिसंबर को परिणाम घोषित हो जाएंगे। एक तरफ बीजेपी मिशन राजस्थान को लेकर पूरी तरह से कमर कस चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार रिपीट को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। राजस्थान में दौसा विधानसभा सीट काफी अहम मानी जाती है। दौसा जिला पूर्व राजस्थान की सियासत का पावर केंद्र है। दौसा विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने यहां गुरारीलाल मीणा को फिर से मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने शंकरलाल शर्मा को एक बार फिर मौका दिया है। अब बात करें दौसा विधानसभा सीट के 2018 के चुनाव की, तो बीजेपी से शंकरलाल शर्मा और कांग्रेस से मुरारीलाल मीणा आमने सामने हुए, तो मुरारीलाल मीणा ने शंकर शर्मा को करीब 50,948 मतों के भारी अंतर से हरा कर जीत दर्ज की थी। दौसा से अभी पायलट गुट के मुरारीलाल मीणा विधायक है, जो पर्यटन राज्य मंत्री भी है। दौसा जिले में बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा और कांग्रेस के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का काफी दबदबा है, लेकिन दौसा जिला कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। इस बार के चुनाव में माना जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब हो जाएगी। हालांकि अंतिम फैसला तो दौसा जिले की जनता ही तय करेगी। अब बात करें दौसा विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण की, तो यहां 2,42,000 के आसपास मतदाता है। दौसा विधानसभा सीट मीणा और गुजर बाहुल्य क्षेत्र है, जो और अन्य वोटर्स भी यहां प्रभाव रखते हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार मुरारीलाल मीणा की, तो मुरारीलाल मीणा 2003 में चुनाव जीतकर विधायक बने, फिर 2008 में बसपा के टिकट पर जीत हासिल। उसके बाद वे कांग्रेस में शामिल हुए और 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने मुरारीलाल मीणा को फिर मौका दिया और 2018 के चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की। अब बात करें बीजेपी उम्मीदवार शंकरलाल शर्मा की, तो शंकरलाल शर्मा ने 1998 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें उस टाइम हार का सामना करना पड़ा। फिर 2013 में शंकरलाल शर्मा बीजेपी में शामिल हुए और फिर उन्होंने दौसा से चुनाव लड़कर जीत हासिल की। फिर 2018 के चुनाव में पार्टी ने उन्हें फिर से मौका दिया, लेकिन वे चुनाव हारे। इस बार दौसा विधानसभा सीट पर चुनाव का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। दौसा विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये तो जनता ही तय करेगी। अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं एक और विधानसभा के राजनीतिक समीकरण को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।